बहुत पहला एक कुड़ी सी हाइडी। ओदे पेरेंट्स दे गुजरन तो बाद ओदी आंटी ने ओदा ख्याल रखिया। एक दिन ओ हाइडी नू लेके ओदे दादा जी कोल गए जिहड़े पहाड़ां विच रहिंदे सी। दादा जी पूरा चिड़चिड़े सुभा दे बुजुर्ग सी जो कल्ले एक छोटे जिहे झोपड़े विच रहिंदे सी। ए पहली बारी सी कि हाइडी अपने दादू नू मिल रही सी। किसी दूजे शहर विच नौकरी मिली है ए कह के आंटी हाइडी नू दादू कोल छड़ के चली गई। दादू जिहड़े इन्ने सालां तों कल्ले सी खुश सी कि उन्हां दी पोती हुण उन्हां दे नाल है, पर अपनी खुशी हाइडी नू नहीं विखाई। उन्होंने हाइडी लई स्टोर रूम विच एक प्यारा जिहा बैड लगाया। हाइडी नू दादू बड़े पसंद आए। इत्थे पहाड़ां विच उन्नू खुशियां मिलन वालियां सी। सवेरे उठदे ही दादू ने उन्नू अपने बड़े सारे डॉगी जोसफ नाल मिलवाया। हाइडी नू जोसफ बड़ा चंगा लग्या। एक दिन पहाड़ां विच घूमदे हुए उन्नू पीटर मिलिया। पीटर सी शेफर्ड जिहड़ा अपनी बकरियां नू घा चरा रहा सी। मैनू तू पहले नहीं दिसी कदी भी। हाँ, मैं कल ही आई हाँ, हुण दादू दे नाल रहांगी। अगले दिनां च ओह नाल नाल पहाड़ां विच घूमण फिरन लगे। हाइडी दी लाइफ मजेदार हो गई सी। उन्हू पीटर बहुत प्यार करदा सी। उन्हें उन्हू शेफर्ड बनना भी सिखाया। पूरा पूरा दिन पहाड़ा विच दौड़ भज करके हाइडी खुश सी। पर वो दादू दे घर दे कम्मा विच भी हथ बटांदी सी। अपने दादू दे ओवन च ब्रेड बेक करना ओदा फेवरेट कम सी। वो ब्रेड बना के पीटर दी दादी नू देंदी सी। ते बदले विच पीटर दी दादी उनू बकरी दा ताजा दूध पिलांदी सी। एक दिन गर्मी तो बाद सियाला दा मौसम आ गया। पीटर दा स्कूल जाना शुरू हो गया ते हाइडी कल्ली पै गई। एक दिन अचानक हाइडी दी आंटी उनू वापस शहर ले जाण वास्ते आई। उन्हूं घर विच पढ़ान ते कम करान वास्ते। दादू नूं इह सुन के बड़ा बुरा लग्या ते ओह मन्ने नहीं। पर जरा सोचन ते उन्हां नूं लग्या कि हाइडी दे वास्ते ऐ ही चंगा रहेगा कि ओह शहर जाके पढ़ाई लिखाई करे। मैनूं इत्थों नहीं जाना, मैनूं दादू दे कोल ही रहना है। आंटी दे ऐ कहन करके कि ओह कुछ ही दिनां बाद उन्हूं इत्थे वापस ले आवेगी, हाइडी मन गई। ट्रेन विच लंबा सफर तय करके वो एक महल वर्गे कार विच पहुंचे। इन्ना वड्डा कार, मैं किस कार च रहन वाली हां? हाइडी कार दी प्यारी क्लारा नू मिली। क्लारा तुर नहीं सकती सी क्योंकि ओदा एक्सीडेंट होया सी। आंटी हाइडी नू एथे लै के आई सी ताकि क्लारा नू एक दोस्त मिल जावे। ए दोनों परियां बहुत जल्दी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। हाइडी दे टंग वखरे सी ते क्लारा ओदी गलतियां दे खूब मजे लैंदी सी। क्लारा दी दादी बड़ी डाडी सी। क्लारा दी दादी हाइडी नू बहुत कुछ सिखा रही सी, जिवें टंग नाल बैठना उठना ते कांटे छुरी नाल खाना खाना। हुन हाइडी कपड़े भी शहर वालियां वर्गी पाण लग पई सी, पर ओदे विच आराम नहीं मिल रहा सी उन्हें। क्लारा भी हाइडी नू पढ़ना लिखना सिखा रही सी। हाइडी नू क्लारा दे नाल रहना चंगा ते लग रहा सी, पर ओनू पहाड़ा ते दादू दी बहुत याद आउंदी सी। एनी याद कि ओनू खाना भी नहीं चंगा लगता सी। क्लारा दे दादी ते पापा नू हाइडी दे दुख दा एहसास होया। उन्होंने फैसला किया उन्हें वापस उदे दादू कोल भेजण दा। क्लारा उदास हो गई क्योंकि हाइडी जान वाली सी। प्यार उन्हें कहते ने जदों तुसी किसे दी खुशी चाहते हो किसी भी कीमत ते। ते वक्त आ गया गुडबाय कहन दा। हाइडी दी आंटी ने कहा कि क्लारा उन्हें मिलन अगले साल पहाड़ा विच आवेगी। पहाड़ा विच आंदे ही जिवें उन्हें जिंदगी वापस मिल गई।
और रस्ते विच पीटर दे कार गई ते उदी दादी नू क्लारा दा दिता होया ब्रेड दिता। अपना शहर वाला ड्रेस उथे छड़ के ओ भज के दादू नू मिलन गई ते ओना नू हुट के जप्पे पा ले। हाइडी दी खुशी दा ठिकाना नहीं रहा जदों ओनू एक चिट्ठी मिली कि क्लारा ओनू मिलन आ रही है। क्लारा नू पहाड़ ते पीटर दोनों पसंद आए पर पीटर जरा अनमना जिहा सी क्योंकि ओनू लग रहा सी कि क्लारा हाइडी नू अपने नाल फेर शहर ले जावेगी। ए तीनों मिलके बहुत मौज मस्ती कर रहे सी। पहाड़ा दी ताजी हवा फल सब्जी क्लारा दी सेहत वास्ते बहुत चंगे सी पर पीटर नू क्लारा नाल जलन होन लगी क्योंकि वो हाइडी दी बेस्ट फ्रेंड सी। पीटर नू क्लारा नू व्हीलचेयर ते बिठाना ते कुमाना वी नहीं पसंद सी। एक दिन उन्हें क्लारा दी व्हीलचेयर नू पहाड़ तो थल्ले सुट दिता। उन्हें लग्या कि सारियां प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाणगियां। ताजी हवा दे सहारे ते बिना व्हीलचेयर तो क्लारा विच काफी ताकत आ गई ते वो हाइडी नाल होली होली तुरन लग पई ते फिर आपे बिना किसी सहारे तुरन लग पई। मैं तुर रही हाँ हाइडी, ए सब तेरी वजह नाल। एक दिन क्लारा दी दादी ते पापा उथे आए ते चौंक गए उन्हें तुरदे हुए वेख। उन्होंने दादू ते हाइडी नू जी भर के थैंक यू कहा। उसी वेले पीटर नू अपने किते ते पछतावा होया। उन्हें क्लारा दी व्हीलचेयर नू सुटना कबूल किता। मैं थोड़े सारे नाल माफी चाहता, बहुत गलत किता मैं। माफ ता करांगी ही है ना क्लारा, पले ही तू गलत किता पर ओदा तुरना सब तो बड़ी खुशी है। सब खुशी नाल हस पए। क्लारा ते उसदे परिवार ने अगले साल फेर आन दा वादा किता ते ओ सारे नाल नाल हमेशा खुश रहे। समय दी गल है, एक ब्याया हुआ जोड़ा सी। हालांकि उन्हां नू एक बच्चा चाहिदा सी पर उन्हां दे लई ए मुमकिन नहीं सी। एक दिन उदी घरवाली एक डैन दे कोल गई अते उने उनू क्या कि उनू एक बच्चा चाहिदा। उदास ना हो मेरी तीए, जिथे चा है उथे ही रा है। ए बीज ले जा अते एक गमले विच ला देवी अते फिर तेनू कुछ हैरान होण वाला नजर आवेगा। उदी कारली बहुत खुश हुई अते डैन दा शुक्रिया अदा करन लगी। बदले विच उने डैन नू कुछ पैसे दित्ते। ओ घर गई अते उने बीज नू गमले विच ला दित्ता। एक उम्मीद दे नाल ओ उस गमले दे कोल बैठी रहिंदी सी। छेती एक वड्डा टुलिप वर्गा फुल उस पौधे ते खिड़न लगा। उसे वेले कारली ने अपने मन विच सोचिया कि ना सोहना फुल है अते उदी बंद पंखड़ियां दे कोल जाके उनु चुम लिता। जिवें पंखड़ियां खुलन लगियां उदे विच एक निक्की बच्ची बैठी हुई नजर आउन लगी। हैरान होके कारली ने उस निक्की बच्ची नू अपनी गोद विच चक लिया। किन्नी निक्की बच्ची है तू, तेरा नाम थंबलीना होना चाहिदा। उस जनानी ने थंबलीना दा पंगूड़ा अखरोट नाल, उदा गद्दा पत्तियां नाल, अते उदा कंबल गुलाब दी पंखड़ियां नाल बनाया। थंबलीना बड़ी आसानी नाल अपने नवे जीवन दे मुताबक टल गई। रात विच वो अपने बैड ते सौंदी सी अते दिन विच वो टेबल ते खेड़दी अते गाना गांदी रहिंदी। एक रात जदों थंबलीना अपने बैड ते सुती हुई सी, एक बदसूरत डड्डू खिड़की ते आके बह गया। उन्हें वेख्या कि एक निक्की बच्ची अखरोट दे छिलके उत्ते सुती पई है। रेबिट, ओ किन्नी छोटी ते सोहनी बच्ची है तू, तू मेरे बेटे दी चंगी दोस्त बनेगी। जिन्नी छेती हो सकता सी उस डड्डू ने उस अखरोट दे छिलके नू चक के खिड़की तो बाहर छाल मारी। घर दे नेड़े एक दलदल सी, उसे विच
उस बदसूरत डड्डू अते उदे बेटे दा घर सी। उस डड्डू दा बेटा उन्ना ही बदसूरत सी जिन्ना की ओ खुद सी। जिवें उन्हें छोटी बच्ची नू वेख्या ओ जोर जोर नाल चीखण लगा। चीखना बंद कर, बच्ची जाग जावेगी। ते जे ओ जाग गई ते एथों भज जावेगी। रिबिट प्यो अते पुत ने रल के बच्ची दे लई इक जगह बनाई जिथे ओ रह सकती सी। उना दोना नू इक तरकीब सुझी। क्यों ना असी इस बच्ची नू नदी दे कोल किसी एक लिली दे फूल विच रखिए जिथे चारों पासे पानी है। ओ तो पच भी नहीं सकेगी एहो जेही थां तो। प्यो डड्डू ने थंबलीना नू एक लिली दे पत्ते दे उत्ते रखिया। सवेर दे टाइम सूरज दी किरणा दे नाल थंबलीना जग गई। जद उन्हें वेख्या कि वह घर विच नहीं है अते उदे चारों पासे पानी ही पानी है तां उह डर के रोण लगी। मैं कित्थे आ? दोवें डड्डू थंबलीना दे कोल पुज्जे। ए तेरा नवा दोस्त है, मैं तेरे लिए नवा घर बना रहा हाँ। वह दलदल दी काफी डूंघाई ते होवेगा। दोवें डड्डू थंबलीना दा भगूड़ा लैके तैरते हुए उत्थों चले गए। ओनू उत्थे पत्तियां ते ही छड़ के उसे वेले उत्थे कुछ लाल मच्छियां तैरते हुए पुजियां अते उन्होंने उस बदसूरत डड्डू की गल्लां सुनिया। उन्हां मच्छियां नूं इह बिल्कुल भी चंगा नहीं लग्या कि एक बदसूरत दलदल दा डड्डू एक इन्नी सोहनी बच्ची थंबलीना नूं तकलीफ दे रहा सी। तू चिंता ना कर, असी तैनूं बचावांगे। सारी मच्छियां ने उस लिली दे फुल दे पत्ते दी डंडी नूं चबाना शुरू कीता जिस विच ओह निक्की बच्ची सी। सिर्फ एक पत्ते दे सहारे थंबलीना उत्थों पानी ते तैरदे होए निकलण विच कामयाब हो गई। ओह हरा पत्ता अपनी राह बनांदे होए चलिया जा रहा सी अते इह नज़ारा पंछी तारीफ नाल वेख रहे सन। किन्नी सोहणी अते निक्की है ओह। अते जिवें ही ओह अपने रस्ते तो गुजर रहे सन उन्हां दे सामने एक वड्डा जिहा मीह बग आया। उस बग ने थंबलीना नूं छेती नाल चक्किया अते पेड़ ते जाके बह गया। अपने आप नूं पेड़ ते पा के थंबलीना काफी घबरा गई। किस तरह दा बग है तू अते मैनूं इत्थे क्यों ले आया है? मैं एक मेबग हाँ, ते मैं तेरे वर्गे मेबग नू कदे नहीं वेख्या, ऐसे ले तेनू एथे ले आया हाँ, ता जो मेरे दोस्त तेनू वेख सकन। कुछ देर बाद सारे मेबग जो उस पेड़ ते बैठे सी थंबलीना नू वेखन पहुंच गए। उना सारे मेबग नू उस निक्की बच्ची दा रूप वेख के जलन होन लगी। तू एक मजेदार चीज है। तेरे ता पंख भी नहीं ने। किन्नी बदसूरत है, एदे वल वेख भी नहीं सकता कोई। तू आजाद है, तू जिथे जाना चाहे तू जा सकती है, सानू तेरे वर्गी बदसूरत चीज नहीं चाहिदी है। थंबलीना ने पूरा गर्मी दा मौसम कल्या ही गुजारिया। उन्हें खुद ही अपनी भुख अते प्यास मिटाण दे लई उन्हां फुल्लां दा पानी पी के दिन गुजारे। काफी दिनां बाद जदों सर्दी दा मौसम आया तां उन्हूं ठंड लगन लगी क्योंकि उन्हें गर्मी दे कपड़े पाए हुए सी। दूर तो एक खेत नजर आ रहा सी जो घाह नाल भरिया होया सी। काफी देर चलण तो बाद थंबलीना उस खेत विच जा पहुंची। घाह दे थले उन्हूं चूहियां दा घर नजर आया। खाना मिलन दी उम्मीद विच थंबलीना ने पूहा खड़काया अते थोड़ा जिहा जौ मंगया। नेक दिल दी चूही ने उन्हूं अंदर बुला लिया। थंबलीना ने फटाफट अंदर जाके सारा खाना खा लिया जो चूही ने उन्हूं दित्ता। उस चूही नूं थंबलीना बहुत पसंद आई। जे तू मैनूं हर दिन एक कहानी सुनावेंगी तां मैं सर्दियां खत्म होण तक तैनूं इत्थे रहण देंगी। बड़ी तसल्ली दे नाल थंबलीना ने चूही दी पेशकश नूं स्वीकार कर लिता। अज मेरा पड़ोसी आण वाला है, उहदी हालत मेरे तो चंगी है, जे तू उहदे नाल जावेंगी तां उह तैनूं बड़े आराम नाल रखेगा। पर एक गल दा ध्यान रखी, उहदी नज़र कमजोर है। तू अपनी सब तों चंगी परी कहानियां सुना के उहनूं हमेशा रुझाई रखी। कुछ समय बाद अपनी पिठ ते मखमली भर लई एक छछुंदर उत्थे आया। थंबलीना नूं ओह छछुंदर कुछ खास पसंद नहीं आया, पर ओनू उस छछुंदर नूं नाराज नहीं करना सी, इसलिए ओह
गाना गाने के लिए राजी हुई। Fly, fly, ladybug, wedding will be tomorrow. Mommy will buy you new shoes and clothes tomorrow. नजर कमजोर होने के बावजूद छछुंदर नु ये एहसास होया कि उनु थंबलीना बहुत चंगी लगन लग पई है। मैं इस पूरे रस्ते खड्डा खोदते हुए इत्थे पहुंचे हाँ। जे तू चाहे तो असि ऐसे रस्ते तो जा सकते हैं, ते मैं तेनु अपना कार विखा सकता। अते उने उनु कार ले जान दा फैसला कीता। चूही नू भी नाल आण नू तैयार हुंदिया वेख थंबलीना भी तैयार हो गई जाण दे लई। ओ लोकी उत्थों जाण लगे। जांदे जांदे उन्हां नू इक चिड़ी जमीन ते पई हुई नजर आई। ओदा सिर ओदे पंखां नाल टकिया होया सी, ओदे पंख टुटे हुए सी। ए चिड़ी इत्थे नहीं सी जदों मैं आया, ए जरूर इस होल तो गिरी होणी। थंबलीना ने जंगल विच चिड़िया नू खुद दे बारे गल करदे हुए सुनिया सी। उन्हां विचों इक चिड़ी नू इस हालत विच वेख के उन्हों बड़ा दुख होया। चूही अते छछुंदर दी नजर बचा के ओ चिड़ी दे कोल गई अते उसनू चुम्या। ए उन्हां चिड़िया विचों इक होवेगी जो गर्मियां दे वक्त आवाज करदियां सी। जे अजेहा है ता मैं इस चिड़ी दी करसदार हाँ। चल थंबलीना, असी तेरा इंतजार कर रहे हैं। ओ उस रात सौ नहीं पा रही सी। उन्हें घा की एक चादर बनाई, कोरीडोर विच जाके उन्हें उस चिड़ी ते पा दिते। उन्हें एक मिंट दे पत्ते नू गिला करके उस चिड़ी दे सिर ते रख्या। छेती ठीक हो जा सोनी चिड़िए। अगले दिन थंबलीना उस चिड़ी नू वेखन गई ता ओदियां अखां खुलियां हुईयां सन। मैं तेरा शुक्रिया अदा किवें करां, तू मेरा इन्ना ख्याल रख्या, हुण मैं बहुत छेती ठीक हो जावांगी। ठीक हुंदे ही मैं अपने दोस्तां दे कोल दूजे गर्म देशां विच जा सकदी हाँ। पार बहुत ठंड है, तुहानू इस गर्म बैड ते आराम करना चाहिदा है। थंबलीना ने उन्हों आराम करन दी नसीहत देन तो बाद ओदे लई एक फुल दी पंखड़ी विच पीण दे लई पानी लियांदा अते उस चिड़ी नू पवाया। ते फिर उसने उस चिड़ी दी कहानी सुनी कि किवें ओ झाड़ियां दे विच उड़ रही सी जद ओदे पंख टुट गए। आखिरकार ठंड का मौसम चला गया अते सूरज अपनी रोशनी नाल चारों पासे गर्माहट फैलाण लग गया। चिड़ी नू पता चलिया कि हुण उन्हों थंबलीना नू अलविदा कहना है। कि तू मेरे नाल जंगल विच आना चाहेंगी? मैं तुहाडे नाल आना चाहुंदी हां, पर मेरे दोस्त चूहे नू बुरा लगेगा, मैं उन्हों छड़ के नहीं आ सकती। जे अजिहा है ता फिर गुड बाय थंबलीना, असी फिर किसी होर दिन मिलांगे। हंजू भरिया नजरां नाल थंबलीना उस चिड़ी नू उड़दे हुए वेख रही सी। गर्मी नू आंदियां वेख थंबलीना दी चिंता होर वध गई। गर्मियां शुरू हो गईयां ने, हुण उस मखमली फर वाले छछुंदर नाल तेरा व्याह करना है। चल असी कुछ चंगे कपड़े ले आने आ। ठंड दा मौसम आ गया है, मेरे नाल जमीन दे थल्ले रहण लई तैयार हो जा मेरी प्यारी थंबलीना। थंबलीना उस जमीन दे थल्ले ठंड अते अंधेरे विच जाण तो पहला एक आखरी वार बाहर गई तां जो उस सूरज नू वेख सके। जिवें ओ अंदर आण लगी ओदे सिर दे उपर एक चिड़ी दी आवाज आई। उने उपर वेख्या तां ओ ओदी प्यारी चिड़ी सी जिहदी जान उने बचाई सी। थंबलीना ने चिड़ी नू दस्या कि छछुंदर ओदे नाल जबरदस्ती ब्याह करना चाहुंदा है ते उनू जमीन दे थल्ले रहना पवेगा। सर्दियां आने वालियां ने अते असी सारे गर्म देशां विच जा रहे हां, तू साडे नाल आ सकदी है। तू मेरी जान बचाई है अते मैं तेरा एहसान चुकाना चाहुंदी हां। इस वार थंबलीना ने चिड़ी दी पेशकश नू स्वीकार कर लिता अते थंबलीना उस चिड़ी दे नाल उड़ के चली गई। जंगलां नदियां बर्फ नाल ढके हुए पहाड़ां दे उपर तो हुंदे हुए कुछ समय बाद ਉਹ ਦੋਹੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਥੰਬਲੀਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਥੰਬਲੀਨਾ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ एक छोटा जिहा बच्चा बैठा होया सी जो शीशे दी तरह चमक रहा सी।
ये बच्चा उस फूल दा राजकुमार सी। उथे हर फूल दा एक राजकुमार सी। ओ एक उंगली जिन्ना उच्चा सी, जिदे चमकदे हुए पंख सी, अते सिर ते एक सुनहरा ताज सी। उस राजकुमार ने पहली बार एनी सोहनी कुड़ी वेखी सी, जो उसे दी कद काठी दी सी। तेरा नाम की है सोनी कुड़िये? मेरा नाम है थंबलीना। उस राजकुमार ने अपना सुनहरा ताज ला के थंबलीना दे सिर उत्ते रख दिता। जे तू मेरे नाल व्याह किता ता तू एना सारे फुल्ला दी राणी बढ़ जावेंगी। एनी तकलीफां विच रहन दे बाद एनी सोनी जगह ते होण दी वजह करके थंबलीना ने खुशी खुशी उस राजकुमार दी पेशकश स्वीकार कर लीती। उस राजकुमार ने थंबलीना दा हाथ फड़िया अते उसे वेले थंबलीना दे मुड्डियां दे पिछे दो पंख उभर आए। थंबलीना हुण एक परी बन चुकी सी। ओ दोवें खुशी नाल अपना जीवन बितान लगे।